पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत मालदीव पर किसी भी तरह से नरमी के मूड में नहीं है। मालदीव में आधिकारिक विरोध दर्ज कराने के बाद भारत ने अब दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया है। दरअसल पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरों के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करने लगे। पीएम ने विदेश के बजाय अपने देश में ही घूमने की अपील भी की। यही बात मालदीव के कुछ नेताओं को चुभ गई। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत और पीएम मोदी पर कुछ आपत्तिजनक ट्वीट कर डाले। भारत तुरंत एक्शन में आया तो मालदीव सरकार बैकफुट पर आ गई। मोइजू ने विवादित टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। सोमवार सुबह भारत सरकार ने दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे विवाद को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। इससे पहले माले में भारतीय उच्चायोग ने भी रविवार को मामले को मालदीव सरकार के समक्ष उठाया था। इसके बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर सफाई दी। मालदीव सरकार का कहना था कि इस मामले में दिए गए बयान मंत्रियों के व्यक्तिगत बयान हैं। सरकार का इस मामले में कोई संबंध नहीं है। मालदीव के विपक्ष ने भी सरकार के मंत्रियों के बयान की आलोचना की। मालदीव नेशनल पार्टी ने एक पोस्ट कर कहा कि एक सरकारी अधिकारी की एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों की मालदीव नेशनल पार्टी निंदा करती है। ये अस्वीकार्य है। हम सरकार से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। आपको बता दें कि मालदीव की महिला मंत्री मरियम शियुना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की सरकार के समक्ष उठाया था। भारतीय उच्चायोग ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत की कड़ी आपत्ति के बाद एक्शन लेते हुए मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मंत्री मरियम शियुना के साथ साथ मालशा शरीफ और महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर भारत के फिल्म स्टार्स और क्रिकेटरों समेत कई मशहूर हस्तियों ने एक्स पर लोगों से मालदीव जाने के बजाय घरेलू पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि कुछ भारतीय मालदीव की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर रहे हैं। यहां तक कि देश की बड़ी ट्रेवल कंपनी इज माई ट्रिप ने मालदीव की अपनी सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी। कंपनी के को फाउंडर और सीईओ निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। भारत से हर साल भारी संख्या में भारत के टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ गया है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।